हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? नमस्कार आप सभी को। आई होप कि अच्छे होंगे, लॉकडाउन में सुरक्षित होंगे, अपने घर में लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, घर में रह रहे होंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। सुरक्षित रहें और अपने आप अपना ख्याल रखें तो ज़्यादा बेटर है, और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं यही बताना आया हूँ कि आपने देख लिया होगा कि 17 मई तक लॉकडाउन पड़ गया है, तो आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, NMS के एग्ज़ाम कब होंगे और किस टाइम पर होंगे, कौन से मंथ में होंगे, और होंगे भी या नहीं होंगे। काफ़ी सारे मन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे, टेंशन भी हो रही होगी कि कैसे होगा, आप क्या करेंगे, पढ़ाई करते करते भी बोर हो गए। बट मैं आपको इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम की टेंशन ना लें। आप ये सोच के चले एग्ज़ाम को कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए आता है, कोई डेट आती भी है, तो आपको 8-10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज लॉकडाउन ख़त्म हो गया, कल से एग्ज़ाम चालू हो गए, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। बाकी आप दिन में अगर पूरे दिन है घर में, तो आप आधे घंटा स्टडी कर सकते हैं, उसमें कोई बात ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और कुछ ना कुछ नई चीज़ें भी सीखने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि हमें भी मालूम है आप इतना 5-6 घंटे कंटिन्यू कर स्टडी नहीं कर पाओगे या नहीं कर सकते, वो डिपेंड है आपके ऊपर। बाकी आप स्टडी करते रहिए, जब तक कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, कोई नोटिस नहीं आ जाता बोर्ड की तरफ से। और अभी फ़िलहाल जो हमारे इस बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो गए हैं, नए आ गए हैं, उनका नाम श्री विश्वजीत कुमार सिंह है, और आप जाके देख सकते हो वेबसाइट पर उनके बारे में। और अपना स्टडी करते रहिए, लॉकडाउन तो है 17 मई तक बढ़ गया है, तो आप इसमें टेंशन मत लीजिए कि एग्ज़ाम होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, तो ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप अपने स्टडी करते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, तो बेटर होगा। क्योंकि आप इस चीज़ में, आप ये चीज़ किसी के हाथ में नहीं है, ये सिचुएशन जो है डिपेंड करता है कब तक ठीक होगी, क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं आई है, तो आप सभी समझ सकते हैं, समझदार हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा। आप इधर उधर की वीडियो ना देख के घुमरा ना हो और अपना स्टडी पे ध्यान दें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आपसे यही कहने आया हूँ इस वीडियो में, प्लीज़ अपनी स्टडी करिए और ज़्यादा घबराए ना ही आप एग्ज़ाम की टेंशन लें। थैंक यू।